Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Waqas Javed and welcome to Vicco Graphics. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको Fiverr पे एक नया नोटिफिकेशन मिला होगा या एक अपडेट आई होगी कि अर्न मोर बाय एडिंग शटर स्टॉक टू योर गिग्स। तो काफ़ी लोगों के इस पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये फीचर क्या है और हम शटर स्टॉक से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं या किस तरह जो है ना ज़्यादा, जैसे उसमें लिखा हुआ है अर्न मोर बाय एडिंग शटर स्टॉक टू योर गिग्स, तो हम किस तरह जो है ना अपनी अर्निंग को ज़्यादा कर सकते हैं शटर स्टॉक को ऐड करके। तो आज की वीडियो में इस फीचर के बारे में डिटेल में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कौन से सेलर्स हैं फाइवर के ऊपर जो ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टॉप रेटेड ग्राफिक डिज़ाइनर हूं जो पिछले 5 साल से डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। तो मैं अपने चैनल पे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, यूट्यूब और इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इस फीचर को देखने के लिए मैं चलता हूं अपनी फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर, आपको दिखाता हूं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जिस तरह मैं अपनी फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर आ गया हूं, तो सबसे पहले आपने नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपने देखना है जो आपको नोटिफिकेशन आया है इस तरह ये मुझे नीचे आया है अर्न मोर बाय एडिंग शटर स्टॉक टू योर गिग्स। तो मैंने इसके ऊपर जब क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये जो फीचर है या ये नोटिफिकेशन है या जो अपडेट आई है ये क्या है। तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ लिया, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को, अगर आपके पास नोटिफिकेशन आया तो क्लिक करके डिटेल में पढ़ लें। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ समझनी है कि अगर आप फाइवर पे कोई भी सर्विस दे रहे हैं लेकिन उसमें अगर आपको इमेजेस की ज़रूरत है या फिर वीडियोस की ज़रूरत है या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़रूरत है, तो या तो वो चीज़ें आपको क्लाइंट खुद देगा। अगर वो क्लाइंट अपनी चीज़ें खुद आपको देता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन केस वो चीज़ें, अगर इमेजेस, अगर आपको वीडियोस या अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक क्लाइंट नहीं दे रहा, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? अगर आप वो चीज़ें गूगल से उठा रहे हैं या किसी और वेबसाइट से उठा रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कॉपीराइट का। अगर वो जो प्रोजेक्ट है वो बायर का कमर्शियल प्रोजेक्ट है या अगर उसने किसी जगह पे यूज़ करना है, जैसे दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो कॉपीराइट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर दिया है और अगर उस पर इस तरह का कोई मसला आ सकता है तो वो बायर आपके ख़िलाफ़ जाके रिपोर्ट करेगा। ना सिर्फ उस प्रोजेक्ट की जो अमाउंट है वो उसकी वापस हो जाएगी, सेकेंडली आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो इसलिए इसमें ये चीज़ आपने समझनी है कि तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि जो बायर है वो आपको इमेजेस खुद दे, आपको वीडियो खुद दे या फिर आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक है खुद दे, ताकि इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी ना हो कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक उस पर आई है या उसका लाइसेंसिंग का उसका कोई इशू है। अब इसमें फाइवर ने क्या काम किया है कि फाइवर ने आपको शटर स्टॉक का ऑप्शन दिया है। सबसे पहले आप क्या काम कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रोजेक्ट है आपको पता है कि उसके अंदर मुझे इमेज की ज़रूरत पड़ेगी या आपको पता है उसके अंदर आपको वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी या आपको पता है कि उसके अंदर आपको ऑडियो की ज़रूरत पड़ेगी या बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, अभी आपको फाइवर एक ऑप्शन दे रहा है जो ना कि आप अपने गिग के अंदर शटरस्टॉक लाइसेंस मीडिया का जो ऑप्शन है उसको आप टिक मार्क करेंगे और उसमें आप बताएंगे कि इस पैकेज के अंदर एक इमेज शामिल है, दो इमेज शामिल हैं, तीन है, कितनी है या वीडियोस कितनी है, स्टॉक वीडियोस कितनी है। तो क्या होगा कि उस चीज़ की जो पेमेंट होगी वो आपको बायर एक्स्ट्रा देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सर्विस $10 की है और जो आपने इमेजेस ऐड किए हैं वो भी $10 की है, तो जो टोटल पैकेज बनेगा वो $20 का बनेगा। जो $10 होंगे सर्विस के वो तो चलें आपको पूरे मिलेंगे, जो $10 की आपने जो इमेजेस ऐड की हैं वो आपने जाके शटर स्टॉक से लेनी है, लेकिन उसका 20% आपको एज अ कमीशन मिलेगा, चाहे वो वीडियो है, ऑडियो है या इमेज है। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि हम इसको किस तरह गिग्स में ऐड कर सकते हैं, मैं चलता हूँ अपनी ये गिग के ऊपर, मैं आपको अपनी ये गिग को एडिट करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये फीचर किस तरह आया हुआ है। तो ये मेरी एक डिज़ाइन से रिलेटेड गिग है, तो इसको मैं एडिट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो ये शटर स्टॉक वाला ऑप्शन है इसमें मुझे अभी मिला या नहीं मिला। तो जब आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे ओवरव्यू है, फिर प्राइसिंग है, फिर डिस्क्रिप्शन है, तो आपने प्राइसिंग वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें सबसे पहले तो यहाँ पे पैकेजेस होते हैं और फिर रिविजन्स हैं, फिर आगे जो चीज़ें होती हैं। अब देखें यहाँ पे उसने शटर स्टॉक मीडिया ये एक चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा जो बेसिक पैकेज है वो $5 का है और जो मेरा स्टैंडर्ड पैकेज है $10 का है और इसके बाद जो प्रीमियम है $20 का। अब इसके अंदर स्टॉक मीडिया एडिड नहीं है, तो अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे
लेसन्स्ड इमेजेस, क्योंकि मेरी ये डिज़ाइन से रिलेटेड जो है ना वो गिर गया, तो यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो यूज़ हो सकते हैं। अगर मैं ये वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड होती तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मुझे लेसन्स्ड वीडियो का या लेसन्स्ड ऑडियो का ऑप्शन मिलता। तो यहाँ पे अब मैं क्या काम करूँगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि एक जो है ना वो $2 की है, दो $4 की हैं और तीन जो है ना वो $6 की हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दो कर देता हूँ कि बेसिक पैकेज में दो आपको लेसन्स्ड इमेजेस मिलेंगे या एक मिलेगी। तो देखें अब क्या हो गया कि जो पैकेज की जो टोटल प्राइस है वो चेंज हो गई है, पहले 5 थी अब क्या हो गया $7। क्यों? क्योंकि $2 ऐड हो गए हैं लेसन्स्ड इमेजेस के। इसी तरह आगे जो होंगे उनके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐड करता हूँ उसमें, तो उसमें देखें 12 हो गए हैं और नेक्स्ट वाले में मैंने अगर टू ऐड किए हैं तो वो कितने हो गए 24, मतलब दो इमेजेस उसमें ऐड किए। तो सबसे पहली चीज़ तो एक ये होगी कि ये तो टोटल बिल के अंदर आपके पैकेज के अंदर ऐड हो जाएंगे। एक इसमें सेकंड चीज़ है कि ऐड एक्स्ट्रा सर्विस। फॉर एग्जांपल अगर आपने बेसिक पैकेज में सिर्फ एक इमेज बोली है कि इसके अंदर ऐड होगी, लेकिन अगर बायर है उसको दो वर्जन चाहिए और वो चाहता है कि दो इमेजेस हों, तो वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आप नीचे भी ऑप्शन दे सकते हैं एडिशनल स्टॉक मीडिया का, और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें लेसन्स्ड इमेजेस का, लेसन्स्ड इमेजेस पे जाके आप यहाँ पे ये ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं और बायर को ये फिजिबिलिटी दे सकते हैं कि वो अगर एक इमेज से ज़्यादा इमेजेस भी यूज़ करना चाहता है तो वो इजीली यूज़ कर सकता है। तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है? आपका ये फ़ायदा होगा कि फाइवर आपको 20% कमीशन देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 इमेजेस ऐड किए हैं तो $10 बनते हैं, तो $10 का जो 20% जो कमीशन होगा वो आपको मिल जाएगा और बकाया जो होंगे वो शटरस्टॉक को फाइवर जो है ना वो पे कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा फाइवर का फीचर है कि जिसकी मदद से आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि जो इमेजेस हैं उसका लाइसेंस का मसला है या नहीं मसला, या आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि काफ़ी वीडियो एडिटर्स को, काफ़ी डिज़ाइनर्स को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, पहले तो जो क्लाइंट्स उनको आके ऑर्डर देते हैं तो वो उनको ना तो इमेजेस देते हैं, ना वीडियो देते हैं, ना ऑडियो देते हैं। जब डिज़ाइनर्स या वीडियो एडिटर्स अपनी तरफ से वो चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर कोई मसला आता है, कोई स्ट्राइक आती है, तो क्लाइंट्स जो सारा ब्लेम वो सेलर के ऊपर डाल देता है और अपना रिफंड क्लेम कर लेता है और अपने पैसे भी वापस ले लेता है, और उसके बाद आपको फाइवर या तो वार्निंग दे देता है या तो आपका अकाउंट बैन कर देता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने भी लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हैं, या अगर फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट भी है, वहाँ पे भी अगर आपको इमेजेस की ज़रूरत है ऐसा किया, तो आप अपने गिग पैकेजेस में और गिग एक्स्ट्रास में इस चीज़ को ज़रूर ऐड करें ताकि आप लाइसेंसिंग का जो पहले इशू था वो आपको फेस करना ना पड़े। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आपको कोई चीज़ सही समझ नहीं आई तो आप या तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लें या फिर मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे विकू ग्राफिक्स पे आप मुझे मैसेज कर लें, मैं आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।